गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज दामिनी फ्रॉम सीईओ आईटी वर्क्स। सो टुडे वी आर लर्निंग टू फंक्शंस, काउंटिफ एंड काउंटिप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम काउंटिफ। काउंटिफ यूज होता है वन कंडीशन के लिए, जैसे ये मेरा डेटा है यहाँ पे एंड यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, सेकेंड जोन, थर्ड ग्रुप एंड ये मंथ वाइज सैलरी एंड इधर टोटल सेल। तो यहाँ पे क्या है, अभी सपोज दैट कि किसी ने बोला कि बस मुझे नॉर्थ के ही एम्प्लॉयज़ का टोटल काउंट चाहिए, कि नॉर्थ के एम्प्लॉयज़ का टोटल काउंट चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन में हम काउंट इफ यूज़ करते हैं, कि इसमें बस एक कंडीशन है। अभी अगर बोलते कि इसमें नॉर्थ के अकॉर्डिंग भी चाहिए और ग्रुप के अकॉर्डिंग भी टोटल काउंट चाहिए, तो उसमें यूज़ होगा काउंट इफ्स। सो हम स्टार्ट करते हैं काउंट इफ से। अभी हमारे पास एक कंडीशन है, मैंने एक कंडीशन यहाँ पे दी है जोन वाइज और सेकंड कंडीशन दी है यहाँ पे ग्रुप वाइज काउंट इफ में। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं काउंट इफ। इसमें हमारा होगा रेंज। रेंज क्या होता है कि जैसे हमारा ये जोन है, तो जोन हमारा नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ये हो गए, तो ये हमारा कौन सा रेंज है, ये जोन वाला रेंज है। तो हमें यहाँ पे यही सिलेक्ट करना होगा B2 से B एंड इसको F4 किया फिक्स करने के लिए। एंड हमारा क्राइटेरिया क्या हो गया यहाँ पे कि हमें बस यहाँ पे नॉट का चाहिए। अगर आपको सिर्फ एक ही का चाहिए तो आप यहाँ पे उस कंडीशन में टाइप भी कर सकते हो, डबल कोटेशंस में आपने नॉट टाइप कर दिया एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर किया, तो यहाँ पे क्या आ गया 528। इन केस कि अभी आप चाहते हो कि आपको साउथ का देखना है, तो आप यहीं पे साउथ भी चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे साउथ का भी डेटा आ गया। बट कि अभी आपको ये डायनामिक बनाने के लिए अगर आप ऐसे इसको नीचे ड्रैग करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि सभी का सेम आएगा। ये जब फंक्शन लगाया था, जब यहाँ पे डबल कोटेशन में साउथ लिखा, तो वो स्टेबल हो गया कि अगर हम इसको कहीं पे भी ड्रैग करेंगे तो ये डायनामिक नहीं रहेगा, ये चेंज नहीं होगा फंक्शन। तो अभी हमारे यहाँ पे इसमें 4 जोन दिए हैं, फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ये दिया है, और हम चाहते हैं कि एक ही बार फंक्शन लगाएं, जैसे हम उसको ड्रैग करें तो सभी का डेटा कैलकुलेट होके आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट इफ, रेंज हमारा क्या हो गया, जोन B2 से B तक, इसको फिक्स किया कॉमा। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया में हम जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉर्थ का चाहिए, तो हम इसका सेल रेफरेंस दे सकते हैं कि ये हमारा R4 में हमारा क्राइटेरिया है। ये एंटर किया, डेटा कैलकुलेट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे ही चेंज करूँ, मैंने यहाँ पे वेस्ट किया, तब यहाँ कैलकुलेट हो गया। अगर मैं यहीं पे चेंज करूँ साउथ, तो यहाँ मेरा साउथ का डेटा आ गया। अगर मैं यहीं पे ईस्ट का चेंज करती हूँ, तो मेरा ईस्ट का भी डेटा आ जाएगा। ये डायनामिक फंक्शन हो गया कि आप एक ही जगह पे यहाँ चेंज कर सकते हो। मैंने नॉर्थ किया तो यहाँ नॉर्थ का भी फंक्शन आ गया। और अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हो, तो इस कंडीशन में क्या करोगे कि आप इसको नीचे ड्रैग भी कर सकते हो। मैंने ड्रैग किया तो सभी के सामने उनका डेटा आ गया कि वेस्ट में 534 एम्प्लॉयज ने वर्क किया, नॉर्थ में 528 एम्प्लॉयज ने वर्क किया, साउथ में 488 एम्प्लॉयज ने वर्क किया एंड ईस्ट में 516 एम्प्लॉयज ने वर्क किया। अब ऐसे ही सेकंड क्या है कि ग्रुप वाइज देखना है। अब इसमें क्या है कि हमें जोन वाइज नहीं देखना, हमें बस ग्रुप वाइज डेटा देखना है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, काउंट इफ, सेम वही प्रोसेस है जैसे हमने जोन के लिए निकाला था, वैसे ही इसको करेंगे। यहाँ पे रेंज आएगा, रेंज हमारा है C2 से C तक, ये फिक्स किया कॉमा। क्राइटेरिया क्या हो गया कि या तो हम यहाँ पे डबल कोटेशंस में ये लिख सकते हैं, ए लिख दिया कि ग्रुप ए का ही डेटा चाहिए। अब ये स्टेबल हो गया फंक्शन, चेंज नहीं होगा इसमें कुछ भी। या तो आपको फंक्शन में F2 करके यहाँ पे बार बार चेंज करना पड़ेगा, बी करोगे तब आएगा, सी करोगे तब आएगा। और अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हो, तो आप इसमें सेल रेफरेंस दे सकते हो। यहाँ पे क्राइटेरिया में ये सेल रेफरेंस दिया कि आपका U4 पे ग्रुप है, एंटर किया 498 आ गया। अब इसको मैं अगर यहीं पे चेंज करती हूँ, तो मेरा डेटा यहाँ पे भी आ जाएगा,
सेम जैसे जोन में किया था, बट हमें ये नहीं करना है, चाहते हैं कि एक ही फंक्शन को ड्रैग करें और सभी का डेटा कैलकुलेट होके आ जाए। तो यहाँ पे किया कि सभी का कैलकुलेट होके आ गया कि ए ग्रुप में इतने एम्प्लॉयज हैं, बी ग्रुप में 500 हैं, सी ग्रुप में 550 हैं, डी ग्रुप में 518 है। तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेट होके आ गया। ये होता है काउंट इफ। सो काउंट इफ यूज होता है ओनली फॉर वन कंडीशन। और अभी इसमें कुछ, अभी मेरे पास डेटा ये है तो मैंने इसके अकॉर्डिंग ही डेटा यहाँ पे निकाल दिया। अभी सपोज दैट कि यहाँ पे डेटा कुछ और होता, किसी का यहाँ पे जोन नहीं सिटी होता, तो हम सिटी वाइज भी कर सकते थे, सिटी वाइज भी सेम यही फंक्शन लगता। एंड अब आते हैं काउंट इफ्स पे। काउंट इफ्स पे क्या करते हैं कि ये एक से ज़्यादा कंडीशंस के लिए ये यूज होता है। अब मैंने इसमें क्या कंडीशंस दी हैं यहाँ पे कि जोन उसका नॉर्थ हो एंड 500 से उसका कम हो और ग्रुप उसका ए हो, तब उसका टोटल सेल आ जाए, मतलब उसका टोटल सेल कैलकुलेट होके आ जाए। तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज वन क्या हो गया, जोन, कि जोन हमारा नॉर्थ होना चाहिए। ये किया बी टू से बी, इसको फिक्स किया कॉमा। अब हमारा क्राइटेरिया वन क्या है, नॉर्थ, कि जब ये नॉर्थ हो तब हमारा डेटा आए। एंड सेकंड क्राइटेरिया क्या है हमारा, कि जो ये ग्रुप है ये ए होना चाहिए। यहाँ पे हमने इसका रेफरेंस ले लिया कि ये ए होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन क्या है इसमें, कि वो इसका जो सेल 500 से कम है वही इसमें आए, बस उसी के ही टोटल काउंट होके एम्प्लॉयज आए। इसको फिक्स किया। यहाँ डबल कोटेशन में हम इस मार्क को लगाएंगे, या तो हम यहाँ पे ये लिख भी सकते हैं 500, सॉरी, यहाँ पे हम रेफरेंस दे सकते हैं एंड के साथ में। जैसे मैंने ये रेफरेंस दिया यू का यहाँ पे एंड एंटर कर दिया। अब इसमें मैंने यहाँ पे किया 500, जैसे मैंने 500 किया वैसे यहाँ पे आ गया। नॉर्थ में 136 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनका 500 से कम का सेल है। और अभी आपको चेक करना है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि कंडीशन बी में, ग्रुप बी में कितने एम्प्लॉयज होंगे, ग्रुप बी में आ गया। सी में कितने एम्प्लॉयज होंगे, सी का आ गया। ग्रुप डी में कितने होंगे, वो आ गया। एंड इस ये फंक्शन आप इसको यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हो। ये मैंने ड्रैग किया तो सभी का कैलकुलेट होके आ गया। मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर देती हूँ कि इसमें हमारी थ्री कंडीशंस हैं। एक तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी नॉर्थ की, कि जोन हमारा नॉर्थ हो, मीन्स जोन हमारे फोर होने चाहिए, जब हम फंक्शन ट्रैक करें तो फोर इनका डेटा आ जाना चाहिए। एंड फर्स्ट कंडीशन हो गई नॉर्थ, सेकंड कंडीशन हो गई कि 500 से कम वाला डेटा चाहिए, एंड थर्ड कंडीशन हो गई हमारा कि ग्रुप डी होना चाहिए। तो मैंने इसमें किया फिर से काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज वन क्या हो गया, जोन, इसको फिक्स किया। एंड फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई हमारी, नॉर्थ कॉमा। सेकंड कंडीशन क्या है कि हमारा ग्रुप डी होना चाहिए, ये फिक्स किया कॉमा। अब यहाँ पे हमारा ग्रुप आ रहा था इधर, इसको फिक्स कर देंगे क्योंकि एक ही है ग्रुप हमारा, तो एक ही कॉलम में हमारे सारे ग्रुप्स हैं, तो इसी में हम इसको फिक्स कर देंगे।
एंड थर्ड कंडीशन हो गई कि टोटल सेल 500 से कम वाला आना चाहिए। ये यहाँ पे 500 है, वो फंक्शन की वजह से हाइड हो गया, इस वजह से दिख नहीं रहा है। ये हो गया, एंटर किया। यहाँ पे डबल कोड में लेस देन का साइन भी लगाना होगा एंड एंड से इसको ऐड करना होगा। तो अभी यहाँ पे ये आ गया। अब इसको मैं जब ड्रैग करूंगी तो ये यहाँ पे आपका फंक्शन आ जाएगा। अब इसको जैसे मैं चेंज करती हूँ, मुझे बी कॉलम बी ग्रुप का सभी का डेटा चेक करना है। बी के अकॉर्डिंग आ गया। अब मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देती हूँ कि नहीं, मुझे 500 से कम नहीं, मेरे को 700 से कम का डेटा चेक करना है। तो अब यहाँ पे जैसे कंडीशन चेंज करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा आ जाएगा। आई होप कि ये सभी को क्लियर हो गया होगा। काउंटिफ फंक्शन यूज करते हैं सिर्फ एक कंडीशन के लिए एंड काउंटिफ्स यूज करते हैं मोर देन वन कंडीशंस के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।